दयाल सिंह हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं जी। दयाल अपना सवाल पूछे डॉक्टर समीर से। जी हाँ सर, हेलो। पूछिए पूछिए जल्दी से, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जल्दी सवाल पूछिए ताकि दूसरे कॉलर्स भी। हाँ जी, झारखंड राज्य से बोल रहा हूँ मैं। 11/4 को पॉजिटिव हुआ था और मेरा दवा चला है जीरोडोकिट, विटामिन सी और जिंकोविट, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट लिया तो पॉजिटिव खत्म हो गया, निगेटिव मिला, लेकिन गर्दन में हमेशा टॉन्सिल में फंसा फंसा जैसा लगता है। लगता है कि कफ आ रहा है धीरे धीरे, सुबह के समय ज्यादा और दिन में थोड़ा कम, लेकिन हर समय टॉन्सिल में कुछ फंसा जैसा महसूस होता है। और कोई तकलीफ? और कोई तकलीफ नहीं है सर। डॉक्टर समीर, इनको गले में ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ फंसा हुआ है, रिपोर्ट नेगेटिव है। ये जो हाँ ठीक है, तो ये जो कोविड होता है, कोविड के कई अलग अलग तरह से लोगों को इफेक्ट करता है। किसी को गले में दर्द होता है, किसी का पेट खराब होता है, और कुछ कुछ लोगों में जो मेन चीज देखते हैं हम लोग वो फेफड़े की प्रॉब्लम। ये जो गले में दर्द हो रहा है, गले में खराश सी हो रही है, ये अक्सर कोविड में होता है और ये समय के साथ साथ ठीक हो जाता है, गेट्स बेटर। इसके लिए आप क्या करिए, आप जो थोड़े गरारे करिए, थोड़े अपना भाप लीजिए जहाँ पे थोड़ा आराम होगा। एक अगर आपके गले में आपको लग रहा है कि कुछ बुखार उखार वीक भी आ रहा है, तो ये जरूर चेक करना जरूरी है कि आपके गले में कोई इंफेक्शन ना हो गया हो जिसके लिए आपको एंटीबायोटिक की जरूरत हो। तो एक एक नजदीकी अपने डॉक्टर से जरूर सलाह कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कोई इन्फेक्शन इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, नहीं तो ये गले में होता है और ये समय के साथ ठीक हो जाता है। पुलकित मध्य प्रदेश से, पुलकित जल्दी से सवाल पूछिए। पुलकित लाइन पर हैं आप? आरबी अग्रवाल हैं हमारे अगले कॉलर, पूछिए सवाल। अग्रवाल साहब सवाल पूछिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा था, मेरे को पहली वैक्सीन लग चुकी है 19/3 को और अब सेकंड लगनी है एक दो रोज में, क्या इसके बाद कोई खतरा रहेगा? डॉक्टर समीर ये पूछ रहे हैं क्या उसके बाद सारे खतरे खत्म हो जाएंगे? देखिए, ये एक बहुत ही अहम प्रश्न है जो हर आदमी पूछ रहा है कि जो वैक्सीन क्या है, अगर वैक्सीन अगर मुझे लगेगी क्या मैं बिल्कुल सुरक्षित हो जाऊंगा, क्या सब कुछ खत्म हो जाएगी कहानी। ये अभी हम लोग सीख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि जो वैक्सीन के बाद जब लोग बीमार हो रहे हैं, मैं एक कदम पीछे लेता हूँ। हमारा वैक्सीन लगाने का जो जो मकसद होता है वो ये होता है कि वैक्सीन के की आपको सिवियर बीमारी ना हो, कि आप बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से और गंभीर रूप से बीमार ना पड़े। हम ये देख रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है उनको अगर कोविड होता भी है तो वो बहुत ज्यादा गंभीर तरह का कोविड नहीं होता, वो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड रहता है और आदमी काफी लोगों की इसकी वजह से जान बच रही है। तो अपना वैक्सीन जरूर लगाइए, लेकिन उसके बावजूद सावधानियां जरूर बरतिएगा, क्योंकि फिर भी आपको इन्फेक्शन तो हो सकता है लेकिन आपकी जान जानलेवा इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन जानलेवा नहीं होगा लेकिन इन्फेक्शन से बचा लेगी वैक्सीन, ऐसा नहीं है, इसलिए ध्यान रखिएगा और सारी सावधानियां बरतिएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।